आज हम बनाने जा रहे हैं आटे और गाजर से बना सुपर हेल्दी केक जब आप बच्चों को इसे देंगे तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैदे से बना है या आटे से वो बहुत मजे लेके इसे खाएंगे और सबसे बड़ी बात आज हम बनाने जा रहे हैं इसे कढ़ाई में जो कि हर घर में होती है और इसे बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा इसे बनाने के लिए सिर्फ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो की मैं वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी छोटा सा वीडियो है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक टिप्स आपको मालूम हो सके तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं कुकिंग लॉजिक कैरेट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड ले लेंगे यहाँ पर मैंने हार्ड शेप का मोल लिया है क्योंकि वैलेंटाइन डे आने वाला है लेकिन आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं एल्यूमिनियम का या स्टील का भी ले सकते हैं और उसे तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर उसे सभी तरफ इस तरीके से फैला लीजिए अब हम कढ़ाई को प्री हीट कर लेते हैं कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए हम सिम पर इसे दस मिनट के लिए रख देते हैं उसके बाद हम एक बोल ले लेते हैं उसमें डालेंगे एक कप दूध और एक चम्मच सिरका बटर मिल्क बनाने के लिए क्योंकि बटर मिल्क से एक में स्पॉन्ज बहुत अच्छा आता है यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है अगर आप चाहें तो एलुमिनियम की भी ले सकते हैं ये लीजिए बटर मिल्क आपका तैयार हो गया उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे वन फोर्थ कटोरी तेल हमेशा मैंने बताया है कि तेल आप कभी भी ज़्यादा ना लें वन फोर्थ कटोरी ही लें अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से तेल आप बढ़ा सकते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप पाउडर शुगर मतलब पीसी हुई चीनी मिक्सी में आप पीस लीजिए पाउडर शुगर आपका रेडी हो जाएगा अब इसे अच्छी तरह हमें फेंटना है तीन से चार मिनट के लिए इसे हम फेंट लेते हैं ये देखिए फेंट लिया है हमने और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर यहाँ पर चार सौ ग्राम गाजर ली है मैंने आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं गाजर को आप हमेशा किसनी में किस कर ही लें गाजर अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है उसके बाद हम एक प्लेट लेते हैं उसमें एक छे रखते हैं और डालेंगे डेढ़ कप आटा अगर आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं वो भी बहुत अच्छा बनेगा फिर हम डालेंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच सोडा इससे कम आप मत डालिएगा नहीं तो स्पॉन्ज अच्छा नहीं आएगा अब इसे हम अच्छी तरह छान लेते हैं और जो ये कण बजते हैं उसे हम अलग कर देते हैं इसे बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आगे आपको बताऊंगी अब इस मिक्स को हम बोल में डालकर अच्छी तरह इसे मिला लेते हैं इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिलाना है एक ही डायरेक्शन में अलग अलग डायरेक्शन में आपको नहीं मिलाना है ये देखिए जिस तरीके से मैं कट एंड फोल्ड के मेथड से मिला रही हूँ उसी तरीके से बहुत धीरे धीरे इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है चलिए अब हम इसे तुरंत ही मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं मोल्ड में डालते समय हमें ध्यान रखना है कि इसे बहुत जल्दी डालना है रुक रुक कर इसे नहीं डालना है इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखें या इसे थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं लेकिन इसे पतला बिल्कुल मत करिएगा नहीं तो केक आपका अच्छा नहीं बनेगा चलिए अब हम इसे दो से तीन बार टैप कर लेते हैं ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए और फिर हम इसे तुरंत ही कढ़ाई में रख देते हैं क्योंकि ये आटा केक है और इसमें कैरेट भी डाला है हमने तो इसलिए इसे बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एक घंटा करीब लग जाता है तो आप इसे सिम पर एक घंटे के लिए रखें उसके बाद देखिए केक बिल्कुल रेडी है इसे चेक करने के लिए आप कोई भी सिलाई डालकर इसमें देख सकते हैं या कोई स्टिक डालकर देखिए बैटर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी नीचे पक रहा है मतलब कि केक बिल्कुल रेडी है अब आप इसे निकाल कर पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसे ठंडा कर लेते हैं ये देखिए बीस मिनट हो चुकी है इसे कपड़े से भी ढांक दिया था मैंने केक बिल्कुल रेडी है अब हम इसे चाकू से थोड़ा सा किनारे से निकाल लेते हैं बहुत सॉफ्ट बना है इसलिए थोड़ा टूट रहा है इसके ऊपर प्लेट रखकर इसे हम उल्टा कर लेंगे थोड़ा सा टैप करेंगे ये देखिए केक बाहर आ गया अब हम इसे सीधा कर लेते हैं अगर आप बिल्कुल सेम इंग्रेडिएंट से केक बनाएंगे तो केक बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा और क्योंकि ये केक आटे और गाजर से बना है इसलिए ये हम सभी के लिए हेल्दी भी रहेगा थोड़ा सा बैटर बच गया था जिसका मैंने कटोरी में पैनकेक बना लिया है ये देखिए कटोरी में भी स्टील की कटोरी में मैंने बनाया है और देखिए कितने आराम से ये निकल गया कटोरी भी बिल्कुल साफ़ है बिल्कुल नहीं चिपका है और केक हमारा बहुत अच्छा बना है ये आप स्पॉन्ज में देख सकते हैं कितना अच्छा आया है तो देखा ना फ्रेंड्स आपने सिर्फ डेढ़ से आपकी दो केक रेडी हो गए अब हम इस केक को गार्निश करेंगे क्योंकि ये कैरेट केक है इसलिए हम इसे गाजर के हलवे से गार्निश करेंगे अगर आपने अभी तक मेरा गाजर के हलवे का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए क्योंकि बिना मावे के बहुत टेस्टी बिल्कुल मुंह में घुलने वाला हलवा बनता है इस रेसिपी से उसका लिंक ऊपर आ गया होगा आप यहाँ से देख सकते हैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगी हलवे से सिर्फ मैंने हार्ट का शेप दिया है अगर आप पूरे में लगाना चाहें तो पूरे में इसके लिए लगा सकते हैं और जो कटोरी में केक बनाया था उसे हम बीच में लगाकर उसमें भी गाजर के हलवे से गार्निश कर देते हैं और दो तीन लगा देते हैं काजू उसके बाद जो गोल्डन बॉल्स आते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए वो हम इसमें डाल लेते हैं इससे हमारा केक बहुत सुंदर दिखेगा ये लीजिए वेलेंटाइन डे का केक बिल्कुल तैयार है मार्केट से लाने की बजाय आप घर में बिल्कुल हेल्दी केक बनाइए चाहे तो आप मैदे का भी बना सकते हैं लेकिन इस तरीके से बनाइए गाजर के हलवे का भी टेस्ट आएगा गाजर भी रहेगी और साथ में हेल्दी भी रहेगा केक तो इसे काट कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत सॉफ़्ट बना है एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा ये रेसिपी कैसी लगी इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर